नमस्कार के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राज। बताइए शुरुआत करते ही खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में इन दिनों हड्डियां गला देने वाली सर्दी पड़ रही है। तापमान का पारा कुछ दिनों से नीचे आने से दिन और रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जबलपुर में ठंड का आलम है कि शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में रजाई लेकर दुबक रहे हैं, जबकि दूसरी ओर सड़क और मंदिरों में किनारे रहने वाले लोग इतनी ठंड में भी खुले आसमान के नीचे सोकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। इन गर्मों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। जबलपुर की एक संस्था है जो आधी रात को शहर के कोने कोने में जाकर उन गरीब लोगों को तलाश कर रही है जो सड़कों पर अपने परिवार के साथ रात गुजार रहे हैं। रात में उन्हें कहीं भी कोई गरीब सोता नजर आ जाता है तो वो शरीर पर कंबल डाल देते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन के डेविड समाधान की संस्था पिछले कई वर्षों से कड़कड़ाती ठंड में आधी रात को अपने सहयोगियों के साथ निकलती है और शहर भर घूमकर सड़क किनारे सोने वाले लोगों को बिना किसी असुविधा के कंबल उनके शरीर पर डालकर चली जाती है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही भीषण ठंड में रेलवे स्टेशन के किनारे रहकर रात गुजारने वाले एक परिवार की 5 माह की बच्ची ने ठंड से दम तोड़ दिया था। तापमान में लगातार गिरावट आने से ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। जबलपुर में पड़ रही भीषण ठंड के कारण कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पहले कक्षा से 5वीं तक स्कूलों में 5 जनवरी से 7 तक का अवकाश घोषित कर दिया गया है। आने दिनों में ठंड का असर भी और ज्यादा देखा जा सकता है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर में कंबल बांटने का कार्यक्रम हमने 11 दिसंबर से हमने शुरू किया था जो लगातार जारी है और हमने अब तक 200 से ज़्यादा कंबल हमने अभी तक बांट चुके हैं। और जैसा अभी शीत लहर पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा शीत लहर चल रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, जिस कारण से जो है अभी आपके माध्यम से पता चला कि 2 दिन पहले भी एक मासूम 6 महीने की एक बच्ची ठंड के वजह से जो है वो कल उसका वो नहीं रही वो बच्ची, तो हमें बहुत दुख हुआ वो देखकर। और उसके वजह से फिर से हम जो है अब ठंड में जो है हम निकले हैं और अभी लगभग मेरे ख्याल से 5 डिग्री टेम्परेचर में जो है हम अभी कंबल बांटने का भी हम काम कर रहे हैं। भैया इस बच्चे की स्कूल की छुट्टियां भी गुजर गई और शीत लहर, कहाँ कहाँ कंबल बांटने गए थे आप? आज हम शुरुआत हमने रेलवे स्टेशन से ही किया है और जो बच्ची जो ख़त्म हो गई है जो कल, उसके परिवार को हमने ढूंढने की हमने बहुत कोशिश किया पर उसका परिवार हमें मिला नहीं, लेकिन हमने स्टेशन से हमने बांटना चालू किया, काफ़ी लोगों को स्टेशन में दिया। फिर उसके बाद हम हाई कोर्ट से लेके हम बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड, शास्त्री ब्रिज, रसल चौक और सदर सब होते हुए हमने पूरा एक सर्कल हमने चक्कर लगा के हमने काफ़ी लोगों को आज भी जो है कंबल हमने बांटे हैं। क्या नाम है आपका, कौन सी संस्था है? मेरा नाम डेविस समाधानम है, ड्रीम वर्ल्ड फाउंडेशन से। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।